जब मैं कुछ काम करता आप आ जाते हो। तो ये मैं साफ कर रहा था मेरा रूम। तो हे गाइस, इट्स मीरा कसूम, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो इन टुडेज वीडियो हम लोग बाहर जा रहे हैं बेड देखने, और मेरा टीटी का इंजेक्शन दे में डर नहीं लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। ले उसके व्लॉग के शुरुआत में छींक दिया, क्या करो, अभी छींक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखो आज की साफ सफाई चल रही है, मेरा रूम बहुत गंदा हो गया है, जबकि मैं बुजू जी भाई बुजू जी चल क्या थी वो जो आप खाते भी नहीं हो, दिखते नहीं हो, वो पता नहीं कौन से जमाने की चॉकलेट्स हैं। चल ये भी इसका ऐसे नहीं लगता, एक बार पहले चलना पड़ेगा, वहां पूछेंगे उसके बाद में। सही लग रही है सर, मैंने दिलाई है तो सही लगेगी। चलती है तू तो इनसे कौन जलेगा, इनसे कौन जलेगा। फिर यही चप्पल पहन के आगे फिर बोलोगे दर्द हो रहा है। नहीं ज्यादा लंबा नहीं चलेंगे, थोड़ा थोड़ा चलेंगे। हैंडसम लग रहे हो, मेरा भी दिखा दो। ये क्या है पता है ना आपको? गाइस अन्याय करके मुझे कुछ नहीं दिलाया इन लोगों ने। अरे वाह, मैं तो सही लग रहा हूँ। एक यही है जो खराब दिख रही है। तो मैंने चैलेंज दिया है कि ये जब तक स्पिन होता रहेगा जब तक गाड़ी ये नहीं चल पाएगी। ये अभी बंद हो जाएगा, देख लो। ये लो 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 गणपति बप्पा। ये तब तक तो चलता रहेगा नहीं चलेगा। मैंने बुक्स कब लेंगे? 5 तारीख। गाइस देखो अभी तक हो रहा है, ये देखो करे जा रही है और बोल रही है होता जा रहा है। क्या कह रहे हो? खिड़की खोल देंगे, एसी नहीं चलाएंगे, ठंडी हवा चलाएंगे। मच्छर सूज जाएंगे अपन लोगों को। कितना टाइम लगता है इसको आने में। सो जा। व्लॉग बन रहा है, किस चीज का व्लॉग? ये डेली व्लॉग वैसे शूट कर। ओह माय गॉड, क्या हो गया? फाइनली हम लोग आ गए हैं रावी के टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने, और डॉक्टर से कंफर्म भी कर लेंगे कल इसको जो कैट ने काट खा लिया था, तो पूछ लेंगे कि कुछ सीरियस है या कुछ लगवाना है, या मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो देख लेते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है हमें पार्किंग की। वॉचमैन नहीं है तो मुझे हटाना पड़ रहा है।
आते टाइम या आने तक इतनी खुश थी कि पूछो मत, फिर मैंने बोला टिटनेस का इंजेक्शन है ऐसे लगता है। तब से टेंशन में। कैसा? धीरे चलो, धीरे चलो ना, चलेगा। वेट गाइस, 42 आया है। पहले वैक्सीनेशन वगैरह तो सब हुआ होगा ना बचपन का? हाँ सारा हो गया। किसी दवाई का एलर्जी वगैरह नहीं है? क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला है कि पीडियाट्रिशियन के पास दिखाओ, यहाँ पे मतलब अभी दूसरी जगह जाना पड़ेगा। कल यहाँ नहीं, आज वहाँ दिखा देता है। सबसे मना कर दिया उन्होंने। मना नहीं रहा, 24 आवर्स से पहले दिखाना होता है अपने को, पता है? किसी भी उसमें ज़्यादा बेटर है कि जो इन्होंने दिया है यहाँ छोड़ के वहाँ दिखा देता हूँ। दूसरे हॉस्पिटल का क्या हुआ? दूसरे में 17 बच्चों का नंबर आ गया, 2700 नंबर है अपना। डॉक्टर इतना अच्छा है कि वो एक बच्चे को देख के मजा, एक बच्चे को 15 मिनट में देखते हैं। दूसरे जो डॉक्टर है ना, वो तो इतने अच्छे हैं कि वो 15 मिनट में एक बच्चे को देखते हैं। तो 10 बच्चे बोले तो कम से कम 2 घंटे का नंबर है वहाँ पे। तो अपन चलते हैं, पलंग पसंद करके आते हैं। चलो पलंग जैसा अपन चाहेंगे वैसा मिल जाएगा ना इसके लिए? तुमने पसंद कर रखा है? हाँ। क्या कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से? ऐसे में कुछ चाहिए मेरे को। पर यार ये पता नहीं कितने हुआ है, मुझे कुल्फी चाहिए। फटने लग जाएंगे। रावी का भी अपन ने ये सोच के नहीं लिया था ना? तो नहीं था ना। हाँ नहीं, एक ऐसा था, ऐसा ऐसा था। देखो वो कलर भी अच्छा लग रहा है। पाँच बजे में कितने दिन चल जाएगा ये? और बड़ा दिन कौन सा चाहिए? रावी चलिए, पापा छोड़ आएंगे, ठीक है? नानी कितने दिन के लिए जाना है? आप साइड चले जाओ, छोड़ जाओ, फिर आप आ जाना। 10 दिन, 1 महीने जा, एक महीने तो जा कम से कम। साधा था ना, साधा वाला था, 1000 रुपए का दिया था ये। क्या हो? बहुत महंगा बोल रहा है। अभी मैं आप लोगों को वो पलंग दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर हम लेंगे तो फिर आपके अभी हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि सरप्राइज खोलने में टाइम लगेगा। क्या पसंद करना है क्या नहीं अभी हम दिखाना नहीं मालूम चले। पसंद ही नहीं करना, इतना महंगा हो जाए कि पसंद ही नहीं करना है। प्रोग्राम में कैंसिल हो गया, कैंसिल। फिर हम उसी उस लोहे के पलंग पे बैठे रहे। उसको क्या कन्वर्सेशन क्या चल रही है? नानी के घर क्या भेज देंगे नानी के घर। चलो देखते हैं और क्या। लेकिन आप भी आओ, देखना आप भी आओ, मेरा ऑफिस कौन जाएगा? तू गाइस बहुत महंगे पलंग हो गए भाई, 25-25 हज़ार के। गद्दा मिला करके दिया था उन्होंने 19,000 कुछ का। इसको देखो, कंफर्टेबल नहीं होगा है ना? गद्दा तो रावी का था जो बहुत कंफर्टेबल, बहुत है कंफर्टेबल वो तो। आई यार मेरा कमर दुख रहा है, हाथ दो। वही मंगा लेंगे अपन और इसका डील करते हैं। ये 15,000 तक में क्लोज होना चाहिए। अरे बूढ़ा हो गया, देख लो। थोड़ा लास्ट
बना के दे, फिर मैं आपके पास क्यों आता, किसी और के पास जाना होती है। 5x6 में क्या अपना अभी वाला गद्दा काम आ जाएगा, फिर जब बाद में जरूरत लगेगी तो दूसरा गद्दा ले लेंगे। फाइनली गाइस खर्चा कर दिया है, बहुत खर्चा हो गया यार। अभी बजट अपना वो था नहीं, लेकिन है ना बजट एक्सटेंड करते करते, लेकिन कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा बजट के पैसे तुम दे देना। ठीक है डन, अभी दे रही, फोन कटते ही ट्रांसफर करूंगी। अरे सच में दूंगी, कटने तो दो फोन, अभी तो ब्लॉग बना रही हूँ। हमने सारा इनसे ही लिया, सोफा भी हमारा इनसे था। वो आपने दिया था ना 18,000 वाला, वो 18,000 मुझे रेट भी याद है आज तक, क्योंकि मैंने इनसे तभी कहा था एल शेप ले लो। आज आज पछताती हूँ मैं वो लेकर के। पानी का बोतल लिया कहाँ है? हाँ क्या, हाँ अच्छा हो गया भाई, मेरा तो 17,500 चले गए पूरे के पूरे। वो टूटे पलंग से तो सही था पूरा, अभी कहूँ से कुछ बोल दूंगी मैं। येरी बोतल उसको अंदर भेज दिया रावी, येरी बोतल रावी, येरी उसको बिचारी को परेशान कर दिया। आज बैठो क्योंकि सही है, पहला गोली लिए दो दिन से सही है, चेक करा है। ये देखो मेरी चॉइस, ये भी मेरी चॉइस है और ये भी मेरी चॉइस। तो गाइस आज मैं खाने के लिए क्योंकि हम लोग इधर आए थे, क्योंकि सबको भूख लगा था। मुझे तो नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा था। तो इधर के मच्छर की तरह जीना हराम कर दिया। और ये जैसे रिजॉल्व होता है इशू कौन कौन से, एक्चुअली मैंने क्या बताऊँ महेंद्र जी को, मैंने कहा एक बार क्या करो कल आप चैलेंज रीच करो सबके साथ। तो गाइस बहुत सारा ठूस लिया अभी हम लोगों ने, तो पेट भर गया, अभी रहूँगा मैं क्योंकि इंजेक्शन देंगे अब। आई डोंट नो व्हाट टू से राइट नाउ एंड या ये क्या तरीका है, मतलब ये क्या तरीका है, ऐसे होता है क्या कोई है? बस फोन पकड़ लो कि टेढ़ा मेढ़ा करके वहाँ चले जाओ थोड़ा सा। अब ज्यादा ही दूर हो गया, इसको 50 बार मना किया है, कुत्तों से दूर रहे, उनको मत पकड़, बिल्लियों को मत पकड़, फिर कहानी सुना रही कि बिल्ली की पैर पे पूंछ रख दी, पूंछ पे पैर रख दिया, वो तो भागती है। फिर उसको उठाया होगा इसने, उसने सीधा यहाँ जैसे उठाया वैसे काट खा गई वो। अब लगेंगे कहाँ लगा इंजेक्शन, दिखा ये पहला इंजेक्शन लगा है कितने, अभी 5 लगेंगे, 4 और लगेंगे, और कल टिटनेस का लगेगा क्योंकि ये लोहे से स्क्रैच भी मार लिए है। गलती तो उसकी थी कपबोर्ड की, कपबोर्ड की गलती नहीं थी, वो जहाँ से लगी है ना वो ऐसी जगह से लगी कि कोई बता भी नहीं सकता है, सबसे नीचे पता नहीं। हाँ तो जमा रही थी वो, आप जमा देते। अभी रो रही थी, अब वो कर रही है। Bye, Kitty!